photograph. हेलो, गुड इवनिंग. मैं आज बना रही हूँ पिज्जा. तो अभी हम लोग के यहाँ पे ना बहुत ज्यादा कोरोना पॉजिटिव निकल गया है, तो इसलिए मैं बाहर नहीं जा पा रही हूँ. और जो भी सामान घर में अवेलेबल है उसी से बना रही हूँ. अभी ऑर्गनो, ये सब जो पिज़्ज़ा में मेन इंग्रेडिएंट्स है वो सब नहीं मिल रहा है, लेकिन मेरे पास बहुत सिंपल से बना रहे हैं. ऐसे आपका टमाटर, कैप्सिकम, पनीर है, ऑनियन है, ये सब देखे, चीज़, बटर. तो खैर, हम घर में गैस ओवन में बना रहे हैं. और ये देखिए, मेरा एक पिज़्ज़ा तैयार हो चुका है, आपको दिखाते हैं, बहुत यम्मी हुआ है. ये हो गया है आपका एक पिज़्ज़ा, और ये बहुत अच्छा से मेल्ड भी हो रहा है. ये देखिए, ये देखिए, कोई भी ये नहीं है, बहुत अच्छा से हुआ है. और थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो थोड़ा सा हाई फ्लेम में कर दिए. हेलो, अभी हम बना रहे हैं पिज़्ज़ा, एक मिनट, घर में होममेड. बहुत यम्मी हुआ है, बहुत टेस्टी हुआ है, देखो दिखाते हैं अभी. और यहाँ और एक डोर मैं तैयार कर रही हूँ. डोर तो हम बाहर से लेके आए हैं, और यहाँ पनीर, चीज़, सब कुछ देके तैयार करेंगे. कैप्सिकम वगैरह जो जो लगता है, प्याज, टमाटर. ऑरिगेनो मेरे पास अभी नहीं है, अवेलेबल नहीं है, बाहर नहीं जा पा रहे हैं. बहुत कोरोना इधर पॉजिटिव है, बाहर नहीं निकल पा रहे. घर में जो भी चीज़ मिला है हम उसी से कर रहे हैं, ठीक है. तो आपके साथ ज़रूर शेयर कर रहे हैं. पानी से कढ़ाई से उतार ली, और देखो बहुत अच्छा से मेल्ट हुआ. इनफैक्ट इसका नीचे भी बहुत अच्छा हो गया है, आप लोग देख पा रहे हो या नहीं, दिखा रहे हैं. बहुत गर्म है अभी. तो ये हो गया मेरा पिज़्ज़ा, नीचे भी बहुत अच्छा से, ज़्यादा जला भी नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, बहुत अच्छा से मेल्ट हुआ है. वाओ, बहुत अच्छा से. हेलो, तो मैं अभी आपके सामने एक डोर तैयार कर रही हूँ. पहले थोड़ा सा बटर, के बाद ये है चीज, तो चीज को थोड़ा सा हल्का ऐसे करके काट लेंगे. उसके बाद लगाएंगे रेड चिली सॉस, जो पास्ता और आपका पिज़्ज़ा बनाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है. और अभी मैं यहाँ पे कुछ वेजिटेबल्स काट के रखी हूँ, जो यहाँ पे दूंगी, जैसे कि अनियन, कैप्सिकम, पनीर, टमाटर, हर चीज़. इस तरह से मेरे पास चिली फ्लेक्स नहीं है, तो लाल मिर्चा को मैं अभी खत्म हो गया, तो इसी को अभी चिली फ्लेक्स इस तरह से कुछ ऐड करते रही हूँ. इसको भूज के रखे थे सूखा मिर्च को. एंड थोड़ा सा चीज मैं यहाँ पे इंक्लूड करती रही हूँ, अच्छा से मेल्ट हो जाए. तो ये बहुत अच्छा से मेल्ट हो जाएगा. और मैं कढ़ाई में ना, ऐसे होममेड जब भी हम केक बनाते हैं,
वही मैं जो नमक है यूज़ करती हूँ, और वही नमक में मैं अभी पिज़्ज़ा बना रही हूँ। तो जिसके पास मेरे पास माइक्रोवेव है, पर भी मैं गैस में ही कर रही हूँ। तो इस तरह से तो ये हो जाएगा, तो मैं इसे बैठा दूंगी। तो मेरा ये पिज़्ज़ा तैयार हो ही गया, अभी गर्म है, 2 मिनट के बाद मैं कर रही हूँ। और मैं ये पिज़्ज़ा को भी मैं अभी यहाँ थोड़ा बटर मैं अप्लाई कर रही हूँ, एंड देन इस पिज़्ज़ा को भी मैं पिज़्ज़ा डोर को मैं यहाँ पे बैठा दिए, और इसे मैं यहाँ पे दे रही हूँ। देखिए यहाँ पे नमक है और एक कढ़ाई में आप देख पा रहे हो एक तवा रखे हैं मैंने। इसको पहले मैं कढ़ाई को गरम कर लिए हैं, और जो नमक है उसको भी हाई फ्लेम में गरम कर लिए हैं, एंड देन इसके ऊपर एक थाली देखे बटर देके इसको मैं सावधानी से बैठा दिए हैं, और इसके ऊपर मैं ये झाँप दूंगी और गैस को 10 मिनट के लिए हाई फ्लेम में कर दूंगी। उसके बाद धीरे धीरे करेंगे। आज मैंने बनाई यम्मी पिज़्ज़ा, घर में बनाए पिज़्ज़ा, बहुत टेस्टी हुआ है, एकदम दुकान की तरह। Why am I looking at you? अभी हम बना रहे हैं पिज़्ज़ा 1 मिनट You're का a picture in a frame. I make believe you're next to me, but I know it's not the same. Why am I looking at you? You're a pixel on a screen. Your animating principle is nowhere to be seen. Why am I lost in a loveless fantasy when somebody real is waiting out there for me? Why am I looking at you? I've enjoyed the years I've wasted, but the time has come to face the fact that none of what I